नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ चौधरी। आज हम आए हुए हैं सारनाथ में। ये है धामे के स्तूप जहाँ पर बुद्ध जी ने पहले आके उपदेश दिया था। और यहाँ की सारी जानकारी इतिहास के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। चलो इसका इतिहास बताता हूँ आपको, यहाँ पे इतिहास क्या है। चलिए, जो बनारस का नाश्ता होता है वो होता है इनसे, ये कचौड़ी और आलू की सब्जी और जलेबी से। यहाँ लोग इससे अपना नाश्ते की शुरुआत करते हैं। तो हम भी यही खा रहे भैया, आज दो दिन हो गए खाते हुए, आज दूसरा डे है और ये खाएंगे। जलेबी भी आ रही है। अगर आपको सारनाथ जाना है तो पहले आप गेट नंबर 4 से आ जाइए, मैदानगिनी चौक है, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ से आपको टेम्पो मिल जाएंगे पाड़ागंज तक के 20 रुपए के और आगे तक के 20 रुपए के। अगर आप यहाँ से टेम्पो भी करोगे तो भी 40-50 रुपए में आपको वहाँ पे ले जाएगा सारनाथ तक। आशाराम है, वहाँ उतार देगा, वहाँ से पास में सारनाथ, वहाँ से पैदल गए रास्ता है। अभी हम आ चुके हैं सारनाथ में और ये इसका एक पाथ बनाया हुआ है। पहली बार आए हम भी, देखते हैं क्या क्या है यहाँ। पीछे मंदिर वगैरह भी हैं पर हम पहले सारनाथ जा रहे हैं। अभी हम बनारस में और सारनाथ आए हुए हैं तो सबसे पहले हमने विजिट करा श्रीलंकन मंदिर। इसका नाम है मूलकंद कुटीर। ये देखिए, श्रीलंका के राजा ने बनवाया था यहाँ। ये इसमें अंदर एक बुद्ध की मूर्ति है जिसपे सोने की परत चढ़ी हुई है, ऐसा कहें तो पॉलिश हुई है गोल्ड की। और यहाँ पर माना जाता है कि मतलब जब बुद्ध जी ने यहाँ पर आकर अपने सबसे पहले उपदेश दिए थे तो ये मंदिर है, नया मंदिर बनवाया गया था। और पीछे आप देखेंगे यहाँ पर ये एक क्विंटल की घंटी है और ये दिन में 2 बार बजती है और इसकी जो रेंज है वो 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ जाती है। साथ में स्थित ये वृक्ष है, जो ये वृक्ष वही है जहाँ पर बौद्ध जी ने बैठ के तपस्या की थी, उस की शाखा को लाकर यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो अभी है हम मंदिर में आए हुए हैं यहाँ पर बौद्ध के। तो ये जो पीछा पेड़ देख रहे हो, ये उसी पेड़ की एक शाखा है जहाँ पर बुद्ध जी ने बैठकर तपस्या की थी। ये इसकी एक शाखा है जो बर्मा के लोग थे, उन्होंने यहाँ लाकर इसको स्थापित किया था। ये है व्हील्स जहाँ पर बौद्ध धर्म के सभी लोग यहाँ पर आगे प्रेयर मांगते हैं, इन्हें ही धर्म चक प्रवर्तन बोलते हैं। पीछे ना जैसे बुद्ध जी बैठे हैं अपने शिष्य को यहाँ उपदेश दे रहे हैं। ये पहला ऐसी जगह थी जहाँ उपदेश दिए थे बौद्ध जी ने। ये देखिए, यहाँ दिखाया भी गया है ये, इसमें तो अच्छी जगह है। आप बनारस आते हैं तो आ सकते हैं आप, 15 किलोमीटर दूर है ये जगह। टेम्पो लेके आप आराम से आएँ और यहाँ पे विजिट करें। मछलियों का तालाब है यहाँ पीछे, और पीछे वहाँ पे बस्ती है। हैंडलूम जो कारीगर है पुराने, वहाँ पे रहते हैं पीछे बस्ती। 6,000 कारीगर पीछे रहते हैं। अभी चलते आगे, देखते हैं। पीछे है ये धामे के स्तूप, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर पीछे जा सकते हैं। उसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा 20 रुपये का। पहले आप यहाँ आए, इससे नया मंदिर है श्रीलंकन मंदिर, इसको घूमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो अभी हम सारनाथ परिसर में हैं। यहाँ पर कुछ हैंडलूम के कारीगर हैं, जो 6,000 कारीगर हैं जो यहीं जो यहाँ पर पीछे रहते हैं। अभी वो देखने जा रहे हैं और आपको यहाँ की सारी कहानी इतिहास बताऊँगा क्या 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 है। दिखाता हूँ, देखो सामने है जैसे एक, अभी उल्टा डिजाइन है, जब सीधा होता है जब दिखता है साफ। ये देखो हैंडलूम का काम चल रहा है, यहाँ के लोकल कारीगर कर रहे हैं इसको। ये ऐसे बना लेते हैं, फिर यहाँ की दुकान है बराबर में बनता है, यहाँ बेचते हैं ये। 750 से स्टार्टिंग हो, कहाँ तक है हाईएस्ट कीमत नहीं है। एडियम सिल्क 1250 का। अच्छा, ये रास्ता है 300 मीटर आगे जाके आपको और भी मंदिर मिलेंगे। यहाँ एक थाईलैंड का मंदिर है, एक जैन मंदिर है। ये रहा दिगंबर का जैन मंदिर। अभी हम दिगंबर जैन मंदिर में, यहाँ पर सामने मंदिर है ये।
दर्शन कर लिए हैं भाई, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा रेस्ट करें, धूप हो गई है और बैठे हैं। ये देखिए श्रीलंका का नोट, ये है जगह, यहाँ से एंट्री है आपकी। तो टिकट आप ऐसे ऑनलाइन भी ले सकते हो, हमने ऑनलाइन ले लिया, ऐसे स्कैन करना है आपने टिकट, इसमें लिख देना है कितने मेंबर हो आप, फिर तो आपने इसमें एंट्री करनी है और मोनोमेंट पर सिलेक्ट करके पैन नंबर या आधार कार्ड नंबर डाल के अपना इसमें एंटर मार देना है, कट जाएगा, एडल्ट ऐड कर लेना जितने भी आप आओ और ऐसे आपका टिकट बन जाएगा। आगे आगे बढ़ जाओ गेट से होते हुए। सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले के मुख्यालय वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यह प्रमुख बौद्ध धर्म व हिंदू धर्म की तीर्थस्थली है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया और जो बुद्ध के मत के प्रचार प्रसार का आरंभ हुआ। यह स्थान बौद्ध धर्म के चार प्रमुख तीर्थों में से एक, जो इसमें अन्य तीन है, लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर। ये अशोक काल के समय का भी है, यहाँ पर पहले ना अशोक स्तंभ भी हुआ करता था। क्या है अभी ये बस स्तूप बचा हुआ है। ना अशोक स्तंभ भी था जो ये रहा पीछे, तो ये अशोक जी ने बनवाया था 1722 से 1732 ईसा पूर्व द्वारा लगवाया गया था ये, जिसके अवशेष ये रहे यहाँ पर। अब ये टूट गया है, जो इसके ऊपर का स्तंभ था जिसमें तीनों जो सिंह थे कमर लगा के बैठे हुए थे, अब उन्होंने म्यूजियम में रख दिया, वहाँ पर रखे हुए हैं अभी। अभी दिखाता हूँ आपको। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यहीं अशोक के स्तंभ से लिया गया है, जो फिलहाल अभी संग्रहालय में रखा हुआ है। अशोक स्तंभ की ऊंचाई 18 मीटर थी, लेकिन वर्तमान में वो 2.3 मीटर का ही रह गया है। इस स्तंभ पर तीन लेख उल्लेखित हैं, जो ब्राह्मणी भाषा में लिखे हुए हैं। ये रही, और ये चतुर्भुज आकार का था पूरा जो एरिया है ना ये सारनाथ, ये देखिए लिखा हुआ। ये एक और किला है एकाश्मक वेदी का, इसके बारे में ये रही जानकारी। ये पिलर यहाँ पे था इसमें अंदर, तो ऐसे बहुत सारे अवशेष हैं। ये देखिए सब बोर्ड पे लिखा हुआ है, मतलब हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है यहाँ पर, जैसे मूल गंध कुटी, यहाँ लोग गाइड भी करके घूम सकते हो आप अगर अधिक जानकारी चाहिए। देखिए जैसे ये रहा, यहाँ पूजा भी कर रहे हैं कुछ लोग धूपबत्ती वगैरह जला के गाइड के साथ। ये मूल गंध कुटी है यहाँ, और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे स्कैन करके भी पढ़ सकते हो स्तूपा के बारे में, मनोती स्तूपा। ये है धामेक स्तूप, जहाँ पर बुद्ध जी ने पहले आके उपदेश दिया था धर्म चक्र परिवर्तन का, उसका यहाँ मंदिर भी है। और देखो ये कितना विशाल का, ये अंदर से ठोस में बना हुआ है, जो आप देख भी पा रहे होंगे पूरा ठोस है ये अंदर से। जो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले वो यहाँ आते हैं, उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं और वहाँ पर अपने मन्नत मांग के हाथ जोड़ के आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ का जो गेट है सुबह 9 बजे खुल जाता है, और यहाँ छाँव भी है तो आप छाँव में ही बैठ जाओ कभी कभी, तो थोड़ा शाम को आए तो ज़्यादा अच्छा होगा, अभी धूप ज़्यादा है यहाँ पर चुभती है फिर वो। ये देखिए हम जितना इसका पास जा रहे हैं, हमें उतना ज़्यादा फेस ऊपर करके ऊंचाई तक देखना पड़ रहा है, और इस पर आप देखेंगे ना जब पास दिखाऊंगा तो इस पर डिजाइनिंग भी की गई है।
तो इस समय हम इसके बराबर बराबर इसकी परिक्रमा कर रहे हैं स्तूपा की। देखिए इस पर अच्छी खासी कारीगरी हुई है ऊपर तक। ये इसके जो अवशेष हैं बचे हुए, जैसे कि दिखाया गया है राजघाट, ये सारे यहाँ के घाट है, मानसिंह घाट, चेत सिंह घाट। ये पहली मूर्ति जो मिली थी यहाँ पे, कुषाण कालीन मूर्ति, उत्खनन 1904 के आसपास की मिली थी। ये म्यूजियम में रखी गई है सब चीज़ें। इसका क्या मतलब अशोक चक्र का? सर 24 तिली है, 24 तिली इसमें है। भगवान बुद्ध हमेशा सुख और दुख की बात करते थे, उनका मानना था 12 दुख की अवस्था होती है, 12 सुख की अवस्था होती है। अशोक ने यहाँ पे 24 तिली बनाई थी। इस शेर के ऊपर एक चक्र और था, देखेंगे फिर मेज वहाँ पड़े हुए हैं, उसमें 32 तिली थी। इसका क्या मतलब है कि भगवान बुद्ध के 32 लक्षण थे। कान समान से लंबा, माथा उभरा हुआ, स्किन सुनहरा, स्वर ब्रह्मस्वर, दांत 40, जीव लंबी, हाथ घुटों तक आते थे, पंजे में तलवे में चक्र बने हुए थे, उंगलियों में चक्र बने हुए थे, बाल घुघराले थे। इस तरह के 32 लक्षण थे, इसमें 32 की लिखी हुआ। नीचे उल्टा कमल है, सीधा कमल जन का प्रतीक, उल्टा कमल निर्वाण मोक्ष। अब हमने दर्शन कर लिया है स्तूपा के, अब आगे जा रहे हैं। सामने म्यूजियम, आप यहाँ भी जा सकते हो, और हमने देख लिया वो सब चीज़। तो अभी आप अगर चाहो तो यहाँ स्कैन करके, 25 रुपये का टिकट है। अगर और भी मोनूमेंट देखना है उसका एक्स्ट्रा टिकट है, आप 25 रुपये में जाके यहाँ अंदर देख सकते हो सब चीज़। ये रहा एक नया मंदिर बना है, ये यहाँ पर देखिए। हम आ चुके हैं थाईलैंड मंदिर पर, 2010 में निर्मित है, और इसमें 40 फुट ऊँची प्रतिमा है बुद्ध जी की। चलिए इसमें दिखाते हैं आपको, इसी रोड पर है ये, जहाँ धामे की स्तूप है वहाँ पर। तो अब अच्छे से हमने यहाँ दर्शन कर लिए, यहाँ के भी अच्छा था। ये भी विजिट कर सकते हो आप जब इस रास्ते पे होते हो आप सारनाथ वाले। अभी यहाँ से जाएंगे हम भारत माता मंदिर, जो पड़ता है रेलवे स्टेशन के पास कैंट एरिया में, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ भी एक अलग ही चीज़ है मंदिर में, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं आगे हम यहाँ से। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फिट विद ऋषभ और ऋषभ MTV पे। बनारस आए हुए थे तो अब हम पहुंच चुके हैं भारत माता मंदिर। इसमें 762 संगमरमर के पीस, और यहाँ से देखेंगे हम भी।